हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ जूरिस में। मैं हूं सौरभ अस्थी और मैं आपके साथ आईपीसी की लेक्चर सीरीज में बना हुआ हूं। और हमने अभी तक लेक्चर 7 अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपने लेक्चर 8 पर आ चुके हैं। लेक्चर 8 पर मैंने जैसे आपको बताया था कि हम चैप्टर 2 की शुरुआत कर देंगे। चैप्टर टू सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है। अब सेक्शन 6 हमसे क्या कहता है, आइए देखते हैं। डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, मतलब कि जितनी भी डेफिनेशंस कोड में दी जाएंगी, इस इंडियन पिनल कोड में जितनी भी डेफिनेशंस बताई जाएंगी, वो सारी डेफिनेशंस को ऐसे समझना है कि वो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस होंगी। मतलब कि जितने भी जनरल एक्सेप्शंस अभी हम लोग आगे देखेंगे, जितने भी एक्सेप्शंस इस कोड में बताए गए हैं, उन एक्सेप्शंस को दिमाग में रखते हुए हमें डेफिनेशंस को समझना है। डेफिनेशंस को उस तरीके से समझना है मतलब कि हमें एक्सेप्शंस को भी दिमाग में रखना है। Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision and every illustration. अब यहाँ पर इन्हें तीन चीजें बताई। पहला बताया every definition of an offense, every penal provision and every illustration of such definition of penal provision. मतलब कि हमें इस throughout इस IPC में, इस code में हम लोगों को दो तरह के sections मिलेंगे। पहला सेक्शन क्या कहता है कि कुछ में हमें ऑफेंसेस की डेफिनेशन मिलेगी, मतलब कि कुछ सेक्शंस में हम लोगों को डिफाइन किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस है क्या, और कुछ सेक्शंस ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें पीनल प्रोविजंस बताए जाएंगे उनके, मतलब कि अगर ये ऑफेंस होता है तो उसकी क्या सजा मिलेगी। एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन ऑफ पीनल प्रोविजन, मतलब कि आप इन दोनों टाइप ऑफ सेक्शन, मतलब एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब जिन सेक्शंस में डेफिनेशन बताई जा रही है, या फिर एवरी पीनल प्रोविजन, मतलब जिन सेक्शंस में हमें पनिशमेंट्स बताई जा रही है, तो इनके टेस्ट के बाद हमें इलस्ट्रेशन मिल सकते हैं, इलस्ट्रेशन मिलेंगे। और इस इलस्ट्रेशन में बेसिकली होता क्या है, उस इलस्ट्रेशन में हमें समझाया जाता है बाय मीन्स ऑफ एनी एग्जांपल या बाय मीन्स ऑफ एनी कमेंट्स, उसमें कुछ कमेंट्स भी हो सकते हैं। तो उन इलस्ट्रेशंस को में हमें जो मिलेंगे तो शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस कंटेन्ड इन द चैप्टर एंटाइटल्ड जनरल एक्सेप्शंस। मतलब आईपीसी में हमारा एक चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 डील आउट करता है जनरल एक्सेप्शंस के साथ। चैप्टर नंबर 4 हमारा जनरल एक्सेप्शंस के साथ डील आउट करता है। इसमें फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 होते हैं। हम आगे चल के अभी इसको पढ़ेंगे, अपनी आईपीसी लेक्चर सीरीज में इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो इनने कहा कि इस पूरे कोड में कोई भी ऑफेंस की डेफिनेशन हो, कोई भी पीनल प्रोविजन हो, या फिर उनका कोई भी इलस्ट्रेशन हो, उन्हें इस प्रकार से समझना है कि वो एक्सेप्शंस के क्या कहते हैं सब्जेक्ट होंगे। मतलब एक्सेप्शंस को दिमाग में रखते हुए हमें इन डेफिनेशन, इन पीनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशन को समझना है। और वो एक्सेप्शंस हैं कहाँ पे, एक डेडिकेटेड चैप्टर है हमारा आईपीसी में टू द जनरल एक्सेप्शंस, मतलब उस चैप्टर में हमें जनरल एक्सेप्शंस ही बताए गए हैं। दोस एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पीनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन, जबकि कि वो एक्सेप्शंस हमें हर जगह आगे चल के देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हमारा सेक्शन 300, सेक्शन 300 हमें मर्डर के बारे में बताता है। अब सेक्शन 300 में डेफिनेशन बता दी गई है मर्डर की, कि मर्डर होता क्या है। अब वहां पर ये चीज नहीं बताई गई है कि 7 साल से छोटे बच्चे, 7 year old, लेस देन 7 year old कोई भी चाइल्ड है, तो उसके द्वारा वो ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता। आईपीसी ये मानता है कि 7 year से छोटा अगर कोई बच्चा है तो उसके द्वारा ऑफेंस नहीं किया गया है। ये हमें कहाँ बताया गया है, ये हमें जनरल एक्सेप्शंस में ही सेक्शन 82 में ये चीज बता दी गई है। ये कहा गया है कि 7 साल से छोटे बच्चे द्वारा अगर कोई भी ऑफेंस होता है, तो मतलब ऑफेंस क्या, कोई एक्ट होता है, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो सेक्शन 300 में ये बात नहीं बोली गई कि मर्डर सच है
और वहां पर 7 साल से छोटे बच्चों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए तो वो मर्डर कहलाएगा। तो वहां पे ऐसा नहीं बोला गया, वहां पे ये बात नहीं बोली गई, मतलब 7 ईयर ओल्ड, लेस देन 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाले का रिपीटेड वर्ड्स वहां पे नहीं बताए गए। वो कहां बता रखा है, वो हमारे सेक्शन 82 में बता रखा है ऑलरेडी। तो यहां पे सेक्शन 6 वही रिलेट करता है और कहता है कि जो भी जनरल एक्सेप्शंस हैं उनको दिमाग में रखते हुए हमें डेफिनेशंस, पीनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशंस को समझना है, क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शंस हर डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन या फिर उनके पीनल प्रोविजंस में रिपीट नहीं किए गए हैं, रिपीट नहीं किया गया है और उसको दिमाग में रखते हुए ही हमें उनकी डेफिनेशंस समझनी है। तो सेक्शन 6 हमसे बस इतनी सी ही बात कहता है। और आगे बढ़ते हैं अपने सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 हमसे क्या कह रहा है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। बहुत ईजी सेक्शन है, छोटी सी बात कहता है और समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन जिसको डिफाइन कर दिया गया है, जिसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, वो थ्रू आउट द सेक्शन, वो पूरे सेक्शन में हमारे कहीं भी अगर वो वर्ड, वो एक्सप्रेशन यूज होता है, तो उस एक्सप्रेशन का सेम मीनिंग होगा, वही सेम मीनिंग होगा जो पहले एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ईजी है, हमारा इंटरप्रिटेशन का एक रूल कहता है कि अगर किसी स्टैट्यूट में कोई एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो उस पूरे स्टैट्यूट में, उस पूरे कोड में वो एक्सप्रेशन वही सेम मीनिंग लेकर बैठेगा, वही सेम मीनिंग लेकर वहां पर यूज किया जाएगा जो उसको एक्सप्लेन किया गया है, जब तक उसके कोई कॉन्ट्रेरी कंटेक्स्ट वहां पे ना बता दिया गया हो। मतलब कि अगर वहां कोई एक्सप्रेशन है जो पहले से एक्सप्लेन कर दिया गया है, वो आगे आने वाले किसी भी प्रोविजन में, वो आगे आने वाले किसी भी सेक्शन में वो एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, तो वो उसी मीनिंग के साथ यूज किया जाएगा जो उसको एक्सप्लेनेशन उसका दे रखा गया है, जब तक उसका कंट्रेरी कोई बात ना बता दी गई हो कि यहाँ पे इसकी मीनिंग अलग होगी, तो उसका मीनिंग वही रहेगी। तो वही हमारा सेक्शन 7 कह रहा है, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, मतलब इस कोड के किसी भी पार्ट में अगर कोई भी एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया जाता है, इस यूज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, वो इस कोड के किसी भी पार्ट में यूज किया जाएगा इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन में जो बात बताई गई है, उसका जो मीनिंग या फिर एक्सप्लेनेशन उस एक्सप्रेशन का बताया गया है, वही मीनिंग लेकर यूज किया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 7 था, बहुत ईजी था सेक्शन 6 और सेक्शन 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने लेक्चर 9 की तरफ बढ़ेंगे और लेक्चर 9 हमारा फर्दर प्रोविजन हमारे जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में होंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बार बार मैं अपने हर वीडियो में एंड में ये अपील आप लोगों से कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी हमारा चैनल अच्छा चलेगा और हमारा ये जो परिवार बन रहा है धीमे धीमे लॉ जूरीज का, ये आगे ग्रो करेगा। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत उम्मीद है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू।